शुजा जफर, चेयरमैन जम्मू मुस्लिम फ्रंट, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं और साथ साथ में ये अपील करता हूं कि मोदी जी, हमारे स्टेट के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी चरमपंथी पर है, आप हमारे युवा के लिए कोई ऐसा पैकेज तैयार करवाइए ताकि हमारा जो युवा है वो कारोबार के साथ मसरूफ हो जाए और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह हमारे युवा को एतमाद की एतबार की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसी मुतब करे जिससे कि वो अपना रोज़गार अच्छी तरह करें। सेकेंडली, आपके माध्यम से सेंट्रल सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी ये हमारे काउ लंचिंग के केसेस हुए हैं, हमारे जितनी भी ये गायें हैं, जितने भी हमारे मिल्चिंग कैटल हैं, इनको डिजिटाइज किया जाए, इनको टैगिंग की जाए और इनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए ताकि इसका बेनिफिट कोई मुल्क दुश्मन अनासर ना ले सके। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ, कश्मीर में पुर अमन फिज़ा को कायम करने के लिए एतमाद की, प्यार की, मोहब्बत की, एतबार की ज़रूरत है जो आपको वाजपेयी जी की पॉलिसी थी उस पॉलिसी को आप अपनाएं। मैं आपसे फिर एक दफ़ा निवेदन करता हूँ कि आज प्यार की फिज़ा को कायम करने की ज़रूरत है, मारो मारी खूनरेजी से इसी मसले का हल नहीं। नातू शुक्रा शुजा जफर, चेयरमैन जम्मू मुस्लिम फ्रंट, अपनी टीम के साथ मोदी जी को और जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की आवाम को ईद की खुशियों की मुबारक देता है। इनसे प्राइम मिनिस्टर के आवाज़ तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, एतमाद की और एतबार की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए नए नए मौके फराहम करवाइए, टूरिज़म डिपार्टमेंट से हमारे की विजिट्स को सब्सिडाइज कीजिए ताकि हमारा जो यहाँ का रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके और रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारी जो प्रॉब्लमें हैं अनएम्प्लॉयमेंट है वो एड्रेस होगी। थैंक यू। बस इससे ज़्यादा मुझे कार हो गया।